going on, guys? Welcome back to my YouTube channel. Welcome back to a brand new episode and a brand new vlog. And right now we are at Andheri Station. और हम लोग जा रहे हैं सोलापुर, लेकिन अभी हम लोग जाएंगे पहले मुंबई लोकल में, फिर जाएंगे नॉर्मल लोकल में. और ये देखो लाइन लगी है इतनी लंबी वाली. लेकिन इस लाइन को छुपाने के लिए हमारे पास में एक ट्रिक है, वो ट्रिक मैं आप लोगों को बताता हूँ. अगर लंबी लाइन हो और अगर तुम्हें टिकट फास्ट चाहिए, तो देखो ये इमरान भाई है, इन्होंने हमारी मदद करी. आपको करना कुछ भी नहीं है, जो सबसे आगे लाइन में लगा रहेगा उसके सामने जाके बोलने का, सर प्लीज़ मैं थोड़ा लेट हो रहा हूँ, मेरे लिए दो दादर की टिकट निकाल दोगे. यही बोला मैंने आपको. इमरान भाई ने मेरी मदद करी, थैंक यू सो मच इमरान भाई, खुदा आपका भला करे. और मैं जा रहा हूँ अब दादर, बिकॉज हमारी फट गई है चादर. I get lost inside my thoughts, and when I start to think, oh, the tunnel closest starts to end up on the brink. I tried so hard, but all these scars they. So India mein fitness itna famous ho raha hai ki ye dekho train mein bhi log chalu hai. Kya kar raha tha karke dikha. Ye dekho. Superb. वैसे तो मैं क्रिकेट खेलता नहीं और क्रिकेट के फैन भी नहीं हूँ, लेकिन अपने भाई लोग बॉम्बे सेंट्रल से अभी ट्रॉफी जीत के बताओ, तो ऑब्वियसली चैंप. अरे बॉम्बे सेंट्रल के हो ना तुम लोग. देखिए बॉम्बे टाउन वालों को बोला ना, दिल पे बहुत लगता है अगर बोरीवली खेलते हैं तो. ये लोग ट्रॉफी जीत के आए तो कॉन्ग्रेचुलेशन. वैसे मैं क्रिकेट का फैन नहीं हूँ, लेकिन अचीवमेंट इज अचीवमेंट. ऐसे ही आगे बढ़ते रहो, एक आज तुम क्रिकेट इंडिया टीम में जाओगे तो भूलना नहीं. और ये इनको भी दिखाओ भाई, मचाएंगे. कितने टाइम बाद यार लोकल ट्रेन में ट्रैवल कर रहा हूँ और इतना कंफ्यूजन है, और राज इतना डर डर के भाग रहा है ना कि भाई, यानी आज सालों बाद प्लेन की जगह ट्रेन में जा रहा है भाई. कैसा लग रहा है राज? बहुत अच्छा लग रहा है. राज की इतनी फटी पड़ी थी ना, इमरान को मैंने 100 रुपए की नोट दी तो टिकट लेने के लिए. राज क्या सोच रहा था, लेके भाग जाएगा? नहीं नहीं, तो फिर राज फुल इंटेंशन में 500 की नोट निकाल के दिया, फर्स्ट क्लास. पागल है, दो स्टेशन के लिए फर्स्ट क्लास, वो भी ये टाइम पे. अपन ने बहुत ट्रैवल किए भाई, मुंबई मलाड, मुंबई मलाड बहुत ट्रैवल किए, तो ये टाइमिंग देखो. टाइमिंग अभी इतनी कर दी फर्स्ट क्लास में, इतनी कर दी सेकंड क्लास में, तो सेकंड क्लास पैसे को बचाओ, वेस्ट मत करो, अपने आप पे खर्चा करो. फिलहाल अभी हम लोग ढूंढ रहे दूसरा प्लेटफॉर्म, बिकॉज हम यहाँ से अभी ट्रेन पकड़ने वाले जो हमें ले जाएगी सोलापुर. फाइनली हम आ चुके हैं ट्रेन के अंदर, बहुत सालों बाद, आई डोंट नो कितने सालों बाद. और मैं सब वो चीज़ें खरीद के लाया हूँ, टेक्निकली तो मुझे नहीं खाना चाहिए, लेकिन अब आ गए हैं तो दिल हो गया है. तो स्टेशन से हमने ख़रीदा है डाइट, क्या लिखा है उस पर, डाइट पोहा. ये कोई भी डाइट पोहा नहीं है, बर्बर के काब्स है. जिम जैम बिस्किट, मेरा हमेशा से फेवरेट, बच्चे और बड़ों की सबकी पसंद, मिल्क बिस्किट. And then we have dark fantasy. ये हमारे भाई खाएंगे राज, प्लीज. तो अभी के लिए रात भर में इतना चल जाएगा, कल सोलापुर में मिलते, तो फिलहाल के लिए यहाँ पे रखते, कल सोलापुर में मिलते, कंटिन्यू करेंगे. सुबह सुबह ट्रेन में सोलापुर पहुँचने के बाद में होटल में आके जो नींद लगी है ना, एक्चुअली मैं सोलापुर में ट्रेन में भी सो गया था, लेकिन प्रॉब्लम ये हुई थी कि ट्रेन में मैं सिर्फ 2 घंटा सोया था, बिकॉज मेरी बहुत ज़्यादा फटी पड़ी थी. इस अलग कभी ट्रेन में से कोई मोबाइल वोबाइल लेके चला गया, एप्पल का लैपटॉप लेके चला गया, तो किसको पकड़ेंगे. बट लास्ट के 2 घंटे कंट्रोल नहीं कर पाया, तो दुआ पड़ के सो गया कि जो भी होगा ऊपर वाला देख लेगा. अभी उठाओ फटाफट फ्रेश होता और उसके बाद में मील खाता हूँ. बहुत भूख लग रही है, बहुत जोर की भूख लग रही है. इनफैक्ट कल रात में जितना भी पसड़ा लिया था उसमें से कुछ नहीं खा पाया सिवाय एक बिस्किट के. सुबह तो नहीं बोलूँगा, लेकिन दोपहर हो चुकी है और कस्टमाइज ब्रेकफास्ट मंगाया है इन्होंने. हमारे जो फ्रेंचाइजी ओनर है, इन्होंने किसी का मेन्यू भेजा था, वहाँ से हमने बनाया, तो जो चाहिए था वो तो मिल ही नहीं सकता था, बिकॉज ऑब्वियसली दोपहर के 1 बज चुके हैं. लेकिन उन्होंने कोशिश करके, तो ये है अंडे की भुर्जी, 7 egg whites 1 full egg, उसके साथ में है ब्राउन ब्रेड. आई गेस दिस इज़ द बेस्ट हेल्दी ऑप्शन आई कैन ईट इन सोलापुर. अच्छा, 2 ब्रेड साथ में एक्स्ट्रा भी आई है, तो चलो ठीक है. नहीं, 1 ब्रेड को 2 करके दिए, तो ये खाते हैं उसके बाद में फ्रेश होते, नहीं उसके बाद में मुँह हाथ धोते, फिर जिम जाते. आई गेस दैट्स द राइट आइडिया. तो प्लान तो ये था कि जाके शावर, आई मीन जाके जिम करेंगे, उसके बाद में शावर लेंगे और उसके बाद में ओपनिंग पे जाएंगे. बट अनफॉर्चुनेटली आज संडे है और संडे होने की वजह से सारे जिम्स बंद है, आई मीन जल्दी बंद हो गए. और ऑब्वियसली तो मैंने सोचा कि बहुत सारे मेल्स पेंडिंग थे,
क्योंकि काफ़ी सारे लोगों ने ई बुक खरीदी थी। बाय द वे मैंने आप लोगों को बताना भूल गया कि मेरी जो नई ई बुक आने वाली थी, जिसका बहुत बेसब्री से लोग वेट कर रहे थे, उसका नाम है द मेथड। उस ई बुक की खासियत ये है कि अगर आप वो ई बुक खरीदते हो और अच्छे से पढ़ते हो, अराउंड 25 पेज की है, और इमीजिएटली आपके मोबाइल पे आ जाएगी अगर आप जैसे पेमेंट करते हो और आप बाय करते हो। तो अगर आप वो पढ़ते हो तो आई कैन बेट यू विद गारंटी कि आप अपनी और अपने क्लाइंट की डाइट उस ई बुक के ज़रिए बना सकते हो। दैट्स माई प्रॉमिस। और वो ई बुक अब लाइव है, अवेलेबल है, और मैंने एक स्कीम रखी है फर्स्ट 50 बायर्स के लिए अप टू 50% ऑफ। तो फर्स्ट 50 बायर्स में ऐसा है कि जो पहले 50 लोग रहेंगे उनको अप टू 50, किसी को 35, किसी को 40, किसी को 43, किसी को 45 और किसी को 50, यानी कि, और ऐसा श्योर है कि जो पहले 10 बायर रहेंगे उनको तो 100% 50% ऑफ मिलेगा। लेकिन ऑलरेडी इतनी ई बुक्स बिक चुकी है, थैंक यू सो मच फॉर द ट्रस्ट। लेकिन अब जब मैं यूट्यूब पे, मेरे जो सब्सक्राइबर है वो इंस्टाग्राम पे अलग है, यूट्यूब पे अलग है, तो ये वीडियो जब से लाइव होगी उस वीडियो से लेकर नेक्स्ट 10 लोगों को अप टू 50% बीस लोगों को अप टू 50% मिलेगा। एंड मैक्सिमम कोशिश यही करना कि अगर आप लोगों को एक बार जब आपने कोड अप्लाई किया, कोड है FIRST, मैं यहाँ पे स्क्रीन पे लिख रहा हूँ, कैपिटल लेटर में डालना। अगर आपको जो भी परसेंटेज ऑफर मिल रहा है और आपको अगर वो बुक खरीदनी है तो बैक मत जाना, बिकॉज अगर आप बैक गए और वापस आए तो हो सकता है कि वो अप टू, अगर समझो आपको 50 मिला है तो नेक्स्ट टाइम आपको 47 मिले या 43 मिले, तो ऐसे अलग 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 है, वो लकी ड्रॉ के जैसा है, तो उसके लिए बैक मत जाना। तो फिलहाल उस रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन थे तो उनका रिप्लाई करूँगा, शावर लूँगा और उसके बाद ओपनिंग में जाऊँगा। जिम का पता नहीं आज शायद छूट जाएगा। ऑल सेट टू लीव फॉर द सोलापुर SOS ओपनिंग एंड वी हैव अनदर गेस्ट विद अस, मिस्टर महेंद्र चौहान। महेंद्र चौहान ऐसे प्रेजेंट प्रोनाउंस करते हैं, राइट? ही इज़ मिस्टर वर्ल्ड, और बहुत सारी स्टोरी इनके बाद में जो मैं उनके साथ में मिलकर सुनाऊंगा। फिलहाल मैं रेडी हो चुका हूँ, एंड ये वाइट टी शर्ट एंड ब्लू कलर की पैंट, वाओ। तो लेट्स गो। फिलहाल मैं बाल नहीं बना पा रहा हूँ बिकॉज यहाँ पे हेयर ड्रायर नहीं है और यहाँ पे कहीं मुझे मिला भी नहीं कि कोई सैलून वालून मिल जाएगा, तो ऐसे ही चलते जंगल में जंगली के जैसे। सो जस्ट लेफ्ट फॉर द SOS ओपनिंग एंड आई हैव माय इंस्पिरेशन, आई रिमेंबर दिस गाय इन 2013, महेंद्र चौहान, महेंद्र बाहुबली। सर कैसे लग रहा है, नहीं क्या बहुत बढ़िया है, यानी 2013 में मैं आपको मिला था और मुझे आज भी याद है वो एब्स फिटनेस के अंदर हम लोग प्री जजिंग के लिए खड़े थे और तुम ऐसा वर्कआउट करके निकल रहे थे, बोला सर आपके बाइसेप एक बाइसेप पोज हो जाए सर। I swear, ये बंदे के भाई साहब। So congratulations जुनैद भाई। Thank you, thank you. And thank you for coming, sir. Thank you for coming. भाई का शो आ रहा है मिस्टर इंडिया, तो सब सपोर्ट करो भाई को। और ये भाई पता नहीं कितनी 10-15-20 होटल ढूंढ के मेरे को होटल पहुंच गए। ये लोग होटल, अरे आ रहा हूँ यार, शॉप पे आ रहा हूँ, होटल तक के पहुंच गए। I tried so hard, but all these scars they cut so deep I bleed. I fell so fast from heaven, it's like someone clipped my wings. Now I'm falling, and I can't see the ground. Can we stop this gravity? It keeps bringing me down. Showed me how to live again.
reality. It keeps bringing me down. I can't breathe and I don't wanna die. Can you stop this gravity? Cause I don't wanna say goodbye. It's a wrap for Solapur. We have Tejas with us. Thank you Tejas for all the hospitality. And we have our director, producer, villain, script writer, rate decider, sab kuch hai bhai. So amazing time in Solapur, amazing time in this train. Bahut dinon se dil ho hi raha tha ki train mein kahin jaye. तो आज मौका मिल गया सोलापुर में, भाई ने बुला लिया, यहाँ पे एयरपोर्ट है नहीं गाड़ी से आने का, मतलब कौन रिस्क लेगा, सो के आएंगे। तो आई होप यू गाइस हैव एंजॉयड दिस व्लॉग। अब सोलापुर में भी SOS अवेलेबल है, नीचे नंबर डाल देता हूँ, जिसको सप्लीमेंट खरीदना है फ़ोन करिए। 24 आवर्स के अंदर सोलापुर में डिलीवरी दे देना भाई, बिल नहीं दिए तो फ्री में सप्लीमेंट आप ही दोगे, ठीक है। तो आई होप यू गाइस एंजॉय। जाते जाते एक बात बताऊंगा, द मेथड की लिंक भी नीचे बिलो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ। प्लस जो मेरा ईबुक 3.0 चैलेंज चल रहा था उसके टॉप 2 फाइनलिस्ट मिल चुके हैं, लेकिन उसमें से एक बंदे के ऊपर हमको थोड़ा सा डाउट है कि उसने कुछ हैंकी पैंकी किया है और ईबुक के अलावा कुछ लिया है, तो हमने उसको ब्लड रिपोर्ट टेस्ट करने के लिए बोला है। उसके रिपोर्ट्स मंडे को आ जाएंगे, जब ये ब्लॉग आप देख रहे होंगे, अगर उसके रिपोर्ट में क्लियर होता है तो ठीक है, नहीं क्लियर होता है तो उसके साथ में जो कम्पीट कर रहा था वो टॉप 2 में आएगा। तो इन दोनों की वोटिंग जब आप ब्लॉग देखोगे आज तब से चालू होगी, तो प्लीज़ इंस्टाग्राम पर जाइए, इनको वोट करिए, और जो भी ये चैलेंज जीतेगा उसको मिलेगा या तो 25,000 कैश, या तो फुल्ली पेड ट्रिप टू स्पेंड अ डे विथ मी, या फिर एप्पल आईपैड। अब तीनों में से उसकी पसंद है, उसे क्या लेना है। और 4.0 के रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी चालू हो चुके होंगे जब आप ये ब्लॉग देख रहे होंगे, तो रजिस्टर करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इस बार की प्राइस मनी है 40,000, 3 महीने में अपने आप को ट्रांसफॉर्म करो और 40,000 की दो। सो अभी के लिए इतना रखते, मेक श्योर यू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड दुआ में याद रखना, जायदाद में किसी का बात मत।